कितनी सदाकत है, सच्चाई कितनी है, सच बताइए आप। सर ऐसा कुछ भी नहीं, हमें पानी सरकार की तरफ से मिला ही नहीं तो बंद कहाँ से होगा। जी जी। तो न बिजली है, न पानी है, न रोड है, हमें कुछ मिला ही नहीं है सर। वैसी बात नहीं है, ये हिंदू लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, इन्हीं लोगों ने हमें बसाया, हम शुरू से भेड़ बकरियां इन्हीं के खेतों में चरवाते हैं, तो अच्छे लोग हैं ये। लेकिन ये अब कुछ ही देर से इनके कहीं ना कहीं दिमाग में ये वहम है कि ये जो क्राइम ब्रांच वाले हैं ये बकरवालों और गुजरों के कहने पे काम कर रहे हैं, हालांकि हम उनको जानते भी नहीं है वो कौन है क्या कर रहे हैं, हमें इस बात से बिल्कुल भी नहीं मतमीन है। तो अब ये बातें फैलाई जा रही हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हिंदू कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं है कुछ भी, अफवाह है कि हिंदू कह रहे हैं कि हम गुजरात जैसी हालात बनाएंगे, मुसलमान कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। न हमें कुछ मिला कहीं किसी से, तो ना कहीं इनसे कोई दुख है। सिर्फ इतने हम जरूर कहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो असली गुनाहगार है सर उसको ये होना, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो भी कानून के दायरे में। ये नहीं कहेंगे हम कि आप हमें दो दो दे दो, हम खुद काट के उसको ये करेंगे, ऐसा नहीं है ना, हम ऐसा कुछ चाहते हैं। देखिए हमारी हिंदू एकता मंच के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई, वो भी कहते हैं कि इस परिवार को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए जी, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं करवा देते। सर हमने जो शुरू में हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, हमने भी यही कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें नहीं पता था ये क्राइम ब्रांच का या जो दूसरी सीट बनवाई थी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की, ऐसा कुछ पता नहीं था, क्योंकि हमें इस पुलिस पे फिर यकीन नहीं रहा था। अगर 7 दिन तक पुलिस एक कैटल शेड से बच्ची की लाश ना निकाल पाई तो वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसलिए हमने कहा था। उस वक्त हमारे तमाम हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया, औरतें रो रही थी हिंदू भाइयों की कि भाई छोटी बच्ची देवी के साथ क्या हो गया। अब ये जो अब आगे जाके ये सियासी लोगों की चाल कहें या क्या, वो असेंबली में क्या हुआ वो हमें कुछ पता है, हमारे पास ना टीवी है ना हम कुछ देखते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उसी बात से हम भी सहमत हो जाते हैं कि वाकई ये सच है। आपको नहीं लगता कि सारे मामले को पहले सियासी तिरंगत दी गई, सियासी मुफाद के लिए अपने बयानबाजी की गई और अब इसको कॉमनल बनाया जा रहा है, फिरका पस्ताई रंग दिया जा रहा है? जी जी हाँ, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसा लोग ना करते यहाँ पे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के हुकूमत के